नारायण नारायण नारायण। अब कोई पूछो बात, बात सुनाओ भाई। और गुरु है प्रेम की बात क्या बोल रहे थे शैला जी? पेरू महाराज फरमाए हो सपूर्ण क्रिया रे मां बुद्धि के साथ में विवेक शक्ति रेवे मन में रेवे है संकल्प में तो वो संकल्प में ही रेवे फूने में नहीं रेवे ये बात हो रही विवेक शक्ति मत प्रकाश मन फूलना है पूर्णा होती है वो तो अपना देखा है सुना है अभी जो काम करते हैं ना प्राय नजदीक की बात की पूर्णा होती है पुरानी बातें की पूर्णा बहुत कम होती है जो अभी नया काम कर रहे हैं उसकी याद आती है जैसे हम आए गाय खड़ी गई वो यहाँ गाय याद आ गई वृक्ष याद आ गया ये पूर्णा होती है पूर्णा में चिपकता नहीं मन उसको मन पकड़ता नहीं है याद आ जाती है एक बात और पकड़ने पर संकल्प हो जाता है वो उसको भी पकड़ ले ऐसा ही करना है ऐसा विचार हो जाता है तो वो संकल्प कहलाता है संकल्प से कामना पैदा होती है फूर्णा से कामना पैदा नहीं होती वो फूर्णा होती है याद आ गई चलेगी उस फिर भी याद आ गई फिर भूल गए चला गई बस तो पूर्णा से इतना नुकसान नहीं होता थोड़ा समय खर्च होता है ये तो नुकसान होता है पर तो नया नुकसान नहीं होता और संकल्प से कामना पैदा हो जाती है तो कामना संपूर्ण अनर्थों का हेतु है जितने अनर्थ है संसार के सब अनर्थ आ जाते कामना में कामना कहलाती किसी नाशवान की जो इच्छा है वो कामना है परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से कामना नहीं है ये जिज्ञासा है ये तो आवश्यक है संसार की जिसके उत्पत्ति और विनाश होता है उन बातों की जो कामना होती है वो कामना कामना है वो त्याजी होती है परमात्मा की प्राप्ति करना है भजन ध्यान करना है विद्रोही रहना है ऐसा जो विचार आता है वो विचार कहलाता है वो कामना नहीं कहलाती कामना वो है जो पूरी होने पर भी फिर कामना और जगती है नई कामना जगती है इस कामना का तंत्र अंत नहीं होता तंत्र चलता ही रहता है एक कामना पूरी दूसरी कामना तीसरी चौथी कामना कामना होती रहती है बस पैदा होती रहती है तो कामना हो जाती है वो मन चिपकता है जैसे कांच के सामने दर्पण के सामने जैसा दृश्य आवे वैसा दिख जाता है मन वो चला जाता है तो कांच में कोई पकड़ नहीं होती परंतु कैमरे का प्लेट होता है जो चित्र खींचते है वो यूं करते सामने करते जो सामने उस बात को पकड़ लेगा वो उसमें तस्वीर बन जाएगी तो मन इस तरह से कांच की तरह हो गए निकल जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है वो प्लेट की तरह हो और उसको पकड़ लेता है वो हो जाता है कामना उस संकल्प होकर कामना हो जाती है तो वो बांधता है तो ये संकल्प और कामना का भेद है आप क्या पूछना चाहते हैं? शक्ति है संकल्प में रेवे है बुद्धि के साथ में रेवे तो विवेक है जो आपने है जो संकल्प में ये नहीं विवेक संकल्प को दूर करने वाला विवेक शक्ति उसको कहते हैं जो ज्ञान है सार क्या है असार क्या है कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है नित्य क्या है अनित्य क्या है ऐसे दोनों चीजों को ठीक तरह से जानने का नाम विवेक है तो विवेक सब मनुष्यों के पास है स्वतः है भगवान का दिया हुआ मुफ्त में सबके पास है उस विवेक का आदर कम करते हैं रावण भी जब सीता जी को लेने के लिए गया तो उसको भी डर लगा लोग ही कांपते थे सर असर जीव सब उससे डरते थे पर वो भी जब सीता जी को ले जाने के लिए गया है चोरी करने को तो उसको भी डर इत उठते ऐसे देखता इधर देखता उधर देखता कोई देखता तो नहीं है
ऐसे स्वाहनी की ना ही लिखा है गोस्वामी जी महाराज, कुत्ते की तरह डरता है। तो क्या कारण हुआ इसका? वो जो अनुचित काम करना चाहता है तो अनुचित काम में भय लगता है आदमी को, स्वतः ही स्वाभाविक भय लगता है। भय कोई बाहर से नहीं आता है, वो बाहर से चोर है, डाकू है, सांप है आदि का भय लगता है, वो बाहर से आता है। और जो काम नहीं करने लायक करने का विचार करता है तो भय आता है, वो भय में भगवान की कृपा होती है। मानो भगवान मना करते कि मत करो मत करो, ऐसा तो मत करो, ये तो है विवेक। और वो जो आसक्ति है ना, वो कामना, वो उस विवेक को टिकने नहीं देती, वो दबा देती कामना। तो फिर उसका निराकरण करके फिर कर ही बैठता है। तो रावण के भी खबरी तो मसी, पर खबरी मसने पर भी वो कहते हैं इसमें चोरी करनी है, ऐसा विचार करके विवेक का आदर नहीं करता। तो विवेक का आदर करना चाहिए, हर समय विचार रखना, विवेक के सामने करता है, विवेक सामने रखकर विवेक ही विवेक रूपी प्रकाश के भीतर काम करता है, तो उसके भूल नहीं होती। एक दो बार कहीं हो जाती है तो चेत हो जाता है, सावधानी आ जाती है, बोली गलती कर दी है, अब नहीं करेंगे। गलती होने पर पश्चाताप हर एक आदमी को होता है कि ये मैं ठीक नहीं किया, पर पश्चाताप का दुरुपयोग सदुपयोग दोनों है। पश्चाताप का आदमी को पश्चाताप करता रहे, चिंतन करता रहे, दुख पाता रहे, ये साधक का काम नहीं है। साधक का काम है ये खराब है, ऐसा काम आगे नहीं करना कभी भी। ऐसा पक्का विचार करता है, जितना जो चिंता शोक उसके हलचल होती है सबका असर इस पर पड़ता है कि ऐसा काम आगाड़ी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वो पश्चाताप का सदुपयोग हो गया। अब वो इस काम करने के लिए आगाड़ी हिम्मत नहीं हो गई। फिर भी कोई कामना का ज्यादा वेग हो, कभी कोई हो भी जाए तो उसे बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है। और पश्चाताप कही अब कैसा कर लिया, क्या कर लिया, बड़ी बेचैनी होती है, अब नहीं करेंगे, अब कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे इसमें उसका सुधार है, पश्चाताप में सुधार नहीं है, वो तो एक जुर्म है, दुख है। परंतु अगर ही नहीं करेंगे तो अगर ही नहीं करेंगे इनसे किए हुए काम का प्रायश्चित हो जाता है, उस जलन से उसका प्रायश्चित, वो पाप मिट जाता है। और अगर पाप बंद हो जाता है तो आप करेंगे नहीं, अगर करेंगे नहीं, तो ये विवेक की प्रधानता होने से ये बात आती है। देखो एक साधारण आदमी होता है, एक साधक होता है, साधन करना है जिसको, पारमार्थिक उन्नति करना है, ये केवल पढ़ाई से नहीं होती है। पढ़ाई खूब कर लो आप, चारों वेदों की कर लो, छह शास्त्रों की कर लो, कितनी कर लो, पढ़ाई से एक बुद्धि में एक संग्रह होता है। जिस तरह से धन का संग्रह करता है ऐसे वो भी एक संग्रह है, वो प्रतिग्रह है, वो संग्रह है। तो संग्रह है वो तो पसंद करने वाला होता है, तो उसकी ऐसे विचार नहीं होता, वो तो बस याद करता है, संग्रह करता है, सुनता है, उसका ही मनन करता है, उसका विचार करता है। साधक होता है उसकी ये बात होती है, मैंने कहा ही, जो साधना करके अपनी उन्नति करना चाहता है उसके भूल होने से जलन पैदा होती है, कैसे गलती कर दिया, जैसे कैसे कर दिया। और जो साधक नहीं है, केवल पढ़ाई के ऊपर जोर है, तो उसमें क्या करता, वो उसको फालतू समझ लेता है कि हो गई तो हो गई, क्या सुपर चलते हो गए तो हो गया, उपेक्षा करता है, उसको सुधार कभी नहीं होता। उम्र बीत जाती है फिर भी सुधार नहीं होता, वो पढ़ाई ऊपर जोर रहता है, ग्रंथों को देख लिया, इसको पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो बस में एक सीख लेता है, और कुछ वेदांत भी सीख लो नहीं, वैसे उद्धार नहीं होता। साधक होता है उसकी ये चोट लगती है, ये गलती कर दी, तो ये सावधानी जहाँ मिलती है वही सत्संग सत्संग है। ये सावधानी नहीं मिलती
और पुस्तक पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं, तो उसे एक जानकारी तो बढ़ती है, पर वो जानकारी दूसरों के काम आ सकती है, अपने काम नहीं आवेगी। और पर उपदेश कुशल बहुत आश्रय करे रहे, और उपदेश समय में खूब बतिया जाती है, पर उपदेश मेलायाम श्रेष्ठा सर्वे भवंती। दूसरों को उपदेश देते समय तो सब विद्वान बढ़ जाते हैं, पर विस्मरंती ऐसे तो स्वकार्य अपना काम पड़ता है तो उसको भूल जाते हैं, वहां वो काम नहीं देती। पर साधक होता है उसके, आप कहते जैसे कोई गलती हुई तो उसके बड़ी चोट लगती है, और वो चोट लगती है जिसका उपयोग ये करे कि अगर नहीं करना है तो की हुई जो गलती है वो दोबारा ना करे, और वैसे ही दूसरी भी गलतियां है उसके लिए भी सावधानी होगी, उस एक के लिए नहीं, ऐसी ऐसी सावधानी रखनी है, ये गलती तो करनी ही नहीं है। तो और भी जिसको हम गलती समझते हैं, जिसको पाप समझते हैं, जिसको अन्याय समझते हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, इसमें जितनी दृढ़ता अधिक होगी उतना ही वो साधन ऊंचा बढ़ेगा, साधक अच्छा होगा, उसका साधन बढ़ेगा। तो ये बात है गलती। देखो एक बात बतावे, हर एक परिस्थिति का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। जैसे मैंने कहा मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे अपने, उसका तो उसका उद्धार नहीं होता। ऐसे ही ये कोई गलती हो जाए उसे दुख होता है, उसका सदुपयोग ये है कि अगर सावधान होगा उपयोग करते, ये दुरुपयोग है। उस गलतियां होती ही रहती उम्र भर, और सावधान होता ही नहीं, झूठा संतोष करता रहता है, औरों को बता समझाने के लिए कहता रहता है, याद करता रहता है, परंतु उसका सुधार नहीं होता। तो ऐसे भूल का पश्चाताप हो जाए उसको वैसा नहीं करना है, तो उसके ऊपर वो संकल्प नहीं बनेगा भोगों का, संग्रह का, मान का, बड़ाई का, ये संकल्प नहीं बनेगा। धन संग्रह करना संकल्प होता है, भोग भोगने का संकल्प होता है, आराम करने का संकल्प होता है, सुख का संकल्प होता है, अनुकूल परिस्थिति की चाहना होती है, ये सब संकल्प है। ये संकल्प बांधने वाले हैं, संकल्प भगवान कामा त्यक्त हुआ, इन संपूर्ण कामों का त्याग करे तब वो साधक होता है। सत्संग भी वही बढ़िया है जिसमें ऐसी चेतावनी हो, ऐसी सावधानी मिले, वो सत्संग तो उन्नति करने वाला है। और जो सीखने का सत्संग है वो कोई बस एक एक सीखो, चाहे पांच कोर्स और पांच इंद्रिया पांच ग्यारह इंद्रिया सीख लो, कोई फर्क नहीं, ऐसा आप सीख लो चाहे ये सीख लो, बरोबर सीखे हुए कोई मतलब नहीं उसे ऐसे। तो फुरना साधारण होती है, संकल्प ज्यादा होता है तो वो बांधने वाला होता है, ये संकल्प फुरने का भेद है। तो संकल्प न करे, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़, संपूर्ण संकल्पों का त्याग है, संकल्प कोई नहीं, मनुष्य अपने संकल्प से ही बंधता है, और संकल्प का त्याग कर दे तो खुल जाता है। न कर्म सोते न क्रिया न पदार्थ समाशक्ति करता नहीं, और सर्व संकल्प कोई नहीं है तो योगारूढ़ हो गया, वो योग में आरूढ़ हो गया, वो आरूढ़ होते पड़ता है, वो योगाचरण मान से वो योग भ्रष्ट होता है, तो वो आरूढ़ होगा, योगारूढ़। तो उस आरोप के लिए अगर उद्धार आत्मा ने अपना अपना उद्धार करे, पतन न करे, तो अपना उद्धार करना अपना पतन करना अपने हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है दूसरे के। अपने वो संतोष नहीं होता, पढ़ाई कर लो कितनी सुन लो, खुद भी संतोष नहीं होता, और संतोष करता है तो वो पतन हो जाता है उसका, वो गिर जाता है। विवेक दिखावेगा कहीं से हमारे क्या फायदा हुआ, बोले इसे सीख गए हमारे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। उद्धार और पतन में प्रारब्ध की हेतु
ना बिल्कुल नहीं। प्रारब्ध तो फल भोगाने के लिए आता है, पतन में प्रारब्ध हेतु होता ही नहीं। इस सदा से हृदय से खाता ही फल चाहिए। प्रारब्ध के हेतु हो जाएगा पतन में तो उद्धार होगा ही नहीं, क्योंकि बिना प्रारब्ध तो जन्म नहीं होता। जन्म होता है उसका प्रारब्ध होता ही है, और प्रारब्ध पतन में हेतु करेगा तो उद्धार होगा ही नहीं, कभी उद्धार होगा नहीं। पाप हो जाए, अन्याय हो जाए, प्रारब्ध से हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत। हाँ तो परिस्थिति पैदा करेगा, परिस्थिति में भी भोग होता है ना, वो भोग भोग माने सुख और दुखदायी जो चीज सामने आती है वो ही प्रारब्ध है। सुखी दुखी करना भी प्रारब्ध का काम नहीं है। कोई दुख पा रहा है तो प्रारब्ध का काम नहीं है दुख पाना। मन इंद्रियां शरीर के प्रतिकूल परिस्थिति का आना है प्रारब्ध का, परंतु उसे दुखी होना ये मूर्खता का काम है। सुखी होना भी मूर्खता का काम है। अनुकूल परिस्थिति में सुखी हो जाए, प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हो जाए, तो सुखी दुखी होना मूर्खता का काम है, ये प्रारब्ध का काम नहीं है। प्रारब्ध का काम तो अनुकूल परिस्थिति की उपस्थिति पैदा करना है, बस इतना ही काम है। सुखी दुखी करना काम उसका नहीं है। नारद जी छोटी अवस्था में थे, माँ मर गई तो दुखी नहीं हुए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अपराध ने तो काम कर दिया, माँ मर गई, ये दुख प्रारब्ध तो खराब था। जो माता मर गई, बालक की माँ मर जाए इससे बढ़कर और क्या दुख होता है। बालक की तो माँ का ही सहारा होता है, परंतु दुखी नहीं हुए, सावचेत हुए कि बहुत अच्छा हुआ, ये माँ अभी तंग करती है भजन करने की ओर, अब कोई बाधा नहीं है। ऐसे कोई खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो प्रारब्ध का काम तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित कर देना, इतना ही काम है। कर्म का बाह्य होता है तो बाह्य काम ही करते हैं, भीतर में प्रारब्ध काम नहीं करते। इस बात प्रारब्ध पाप में हेतु नहीं होता, ना पुण्य में हेतु होता है। पाप करने में पहले पाप किए हैं उनसे एक अंश उसमें कारण होता है। ध्यान देकर सुने, दो बात होती है। शुभ काम करोगे उनसे अभी अशुभ काम करोगे उनसे सिर्फ दो दो चीज पैदा होगी। एक तो उनका सुख और दुख अगारी परिस्थिति पैदा होगी, और एक ऐसे काम करने के लिए विद्या आएगी। जैसे चोरी करता है तो चोरी जो जो करेगा त्यों ही चोरी करने की अटकल आएगी, एक विद्या आएगी, और एक चोरी का दंड होगा। शुभ काम करेगा, शुभ काम करने की इच्छा पैदा होगी, विद्या आएगी। जैसे सत्संग करता है तो सत्संग में प्रेरणा करने वाली विद्या आएगी। सत्संग के द्वारा कई बातों की जानकारी होगी, वो विद्या आएगी, और एक सत्संग करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी, वो फल होगा। तो जो फल होगा उसमें प्रारब्ध कर्म है। जो काम करते हैं वो विद्या आती है, वो अगर ही काम करने में भी हेतु हो जाती है। ये पूछते ना, प्रारब्ध से पाप भी होते हैं क्या? तो प्रारब्ध से पाप उतने ही अंश में है। हम असावधान रहेंगे तो पहले किए हुआ प्रारब्ध है वो आदत हमारी उसमें लगा देगी। कितना प्रारब्ध में और संचित में दोनों में शक्ति ताकत है, परंतु उनमें बाध्य नहीं करेगा। लग जाए ऐसा नहीं, लगे ना लगे मर्जी, मन में आ जाए कि चोरी करी है और कैसे देखा कोई पदार्थ उनको ले ले उठा ले, ऐसे मन में आ जाएगी। पर विवेक कहता है नहीं करना है तो नहीं करना है, वो विवेक है उसको बाधा कर देगा। इस बात प्रारब्ध पाप करावे ये ताकत ही नहीं प्रारब्ध में। वो पूर्ण मात्र हो सकती है, पाप किया जिसने वो पाप करने की पूर्ण हो जाएगी, पर पाप करा सकते काम करा नहीं सकते। विवेक जागृत रहेगा तो हरदम विवेक जागृत। तो अंतगतम पापम जनाम से द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, पाप नष्ट हो गया वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त तो भजन करता है। तो उस पाप कर्मों के कारण से
मन पुण्य कर्मा है उनके वचन में दृढ़ता हो जाती है। तो दृढ़ता में बात कौन है कि पहले प्रारब्ध होता है उससे दोष करने की मन आती है, दृढ़ता में शिथिलता कर देता है प्रारब्ध, इतना ही और कुछ नहीं। वो पीछे विचार कर लेता है दृढ़ता हो जाती, दृढ़ता खुद की हुई है, वर्तमान की बात है, प्रारब्ध का नहीं है। प्रारब्ध भी ठीक करेगा दृढ़, फिर दृढ़ता हो जाएगी। कोई श्लोक गीता का आप बोलो कोई आवे तो, जैसे ये शांत गतम पापम जना नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रबद्धन्ति निराधमा, ऐसा खोजता था मैं कोई श्लोक मेरे ऐसा को, जैसे आप कहते हो ना आपके आपके काम का श्लोक, तो इसमें ये बात आई है कि नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रबद्धन्ति, पापी लोग मेरे शरण नहीं होते, तो शरण नहीं होते ये पापों का काम है। तो पाप उसमें संचित भी है प्रारब्ध भी है, उन पापों के कारण से भगवान के सन्मुख होने में बाधा लगती है। परंतु विवेक ऐसी एक चीज है, अनंत पाप रहते हुए भी सबको हटा देगा विवेक। बिना सत्संग विवेकन हुई, बिना सत्संग बिना विवेक दृढ़ नहीं होता है, विवेक हाथ हो जाता है। मैं सत्संग करने से क्या होता है, को विवेक शक्ति दृढ़ होती है। विवेक सत्संग जो जो सत्संग करेगा त्यो त्यो उसका विवेक दृढ़ होगा। बट किसका, कि जो अपने उद्धार के लिए सत्संग करता है, कि सुन लो आप सत्संग सुन लो तो वो खुश रहने वाली है, मतलब नहीं उसका ग्राहक नहीं है वो। नहीं, सत्संग में प्राप्त नहीं है, संचित कुछ काम करता है। अच्छा संग प्राप्त करने में तीन हेतु होते हैं, विशेषकर भगवान की कृपा हेतु होती है और संतों की कृपा, एक तो कृपा हेतु संतों की हो भगवान की हो, एक तो उनकी कृपा हेतु होती है। एक हमारा जो कर्म है पहले सत्संग किया है कुछ किया तो उसमें रुचि पैदा करती है, उससे भी होती है। एक संचित और प्राप्त के कारण से भी ऐसा मेल हो जाता है, संत मिल जाते हैं। पर संतों से मेल होने पर भी लाभ उठाता है जिसको सत्संग करने की रुचि है, तो रुचि से भी होता है। मानो प्राप्त से संयोग हो जाए इससे भी होता है और अपनी रुचि से भी सत्संग होता है। वो प्राप्त कुछ नहीं है, प्राप्त नहीं और कोई विचार नहीं है, अपनी रुचि है सत्संग तो सत्संग हो जाता है। खूब इनको सोचो आप, तीन बात बताइए। जही कर जही पर सत्य संदेह सोते हैं मेरे तन कसु संदेह, सच्ची लगन होती है तो उसको सत्संग मिल जाता है और लगन से ही लाभ उठाता है। प्राप्त है संसद से कोई संतों का भेंट हो गई तो अच्छी बात हो गया, वो निकल जाएगा, कोई लाभ नहीं ले सकेगा। भगवत कृपा से भी सत्संग मिलता है, उसमें रुचि होती तो वो लाभ लेता है, रुचि नहीं होती तो लाभ नहीं ले सकता। सत्संग तो मिल जाता है, पूर्व कर्मों से मिल जाता है, भगवत कृपा से भी संतों की कृपा से मिल जाता है, पर तो लाभ रुचि से लेता है। लाभ रुचि ज्यादा होने पर नया प्राप्त बन जाता है, नया कर्म है ही नहीं, उसमें नया बन जाता है। मनुष्य शरीर नई उन्नति के लिए है, इस वास्ते नए विवेक का आश्रय लेकर चलेगा तो उसकी उन्नति होगी ही, संदेह ही नहीं है। और कोई बातों में रह जाएगा केवल सुन लिया तो इसे एक प्रकाश तो मिलता है और सुने हो गया। ये नहीं याद दिला देना कि सत्संग से एक प्रकाश मिलता है, प्रकाश में दिखने लगता है, पर वो अपने काम में नहीं आता। चल गया शास्त्र पढ़ने से सत्संग से प्रकाश तो जरूर मिलेगा ही, पर लगन नहीं होने वाला प्रकाश को काम में नहीं ले सकता, वो प्रकाश ही बढ़ता चला जाता है, प्रकाश भी बढ़ाएगा खूब, मानो कई बातों सीख जाएगा, सीखी हुई सत्संग होती हो। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भादवा बड़ी सृष्टि विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 12 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे लिखित स्तुति के बाद बिना शब्द द्वारा पर हुआ। राम।